आज बात करेंगे मीट कारोबार से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो जिस पर ऐसे आरोप लगे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बिना जांच पड़ताल और बिना स्वीकृति के आरोपों के बीच चल रहा मीट का ये काला धंधा किस तरह से सिर्फ मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहा है। आरोप है कि इस फैक्ट्री से तैयार हो रहा मीट लाखों की राजस्व की चोरी तो कर ही रहा है, साथ ही लोगों की सेहत को भी बर्बाद कर रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। प्रदेश की एकमात्र मीट फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा, बिना अपेडा सर्टिफिकेट के चल रही अवैध फैक्ट्री। सैकड़ों जानवर चढ़ रहे इस मीट फैक्ट्री की बलि। आज खुलेगी इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट की पोल। क्या यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्रीज आंखों में झोंक रही धूल। कहने को तो ये धंधा है, लेकिन धंधा बहुत गंदा है। इस धंधे में पहले तो रुपये का माल चवन्नी में खरीदा जाता है और फिर उसे डिब्बे में बंद कर 100 रुपए में बेचा जाता है, यानी हर तरफ सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा। और इस मुनाफाखोरी के आरोपों की जद में है मैसर्स यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने का, राजस्व चोरी के साथ साथ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का। मुनाफाखोरी के आरोपों की दास्ता बताएं, लेकिन उससे पहले आप मामले को समझिए। दरअसल रीको की ओर से मानपुरा मचेड़ी स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के औद्योगिक भूखंड संख्या F32-36 G39 की कुल भूमि 12,355 वर्ग मीटर का आवंटन मैसर्स दर्शन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था। उसके बाद इन भूखंडों की खरीद में अल नफीस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कर ली गई और वर्तमान में मैसर्स यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इन भूखंडों पर एक मीट प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जो कि अपनी कई नियम विरुद्ध गतिविधियों के लिए इन दिनों सुर्खियों में है। इस कंपनी के कर्ता धर्ता दिल्ली के हरचरण सिंह, बलविंदर सिंह और 2 साल पहले इस साल 2021 में उनके द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। इस फैक्ट्री को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 मार्च 2023 को कंसेंट टू ऑपरेटर जारी की थी, जिसमें कंपनी को एक दिन में 63 मीट्रिक टन फ्रोजन बफेलो मीट और 4 मीट्रिक टन फ्रोजन शीट या गोट मीट एक दिन में बनाने की इजाजत दी गई। लेकिन कंपनी पर आरोप है कि वो लगातार नियमों को दरकिनार करते हुए मीट यूनिट का संचालन कर रही है। हालात ये है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी और बदबू के चलते आसपास के लोगों का जीना दूभर हो चुका है, लेकिन आंदोलन की तैयारी करने में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इस पर आरोप है कि अपेडा की अधिकृत वेबसाइट के यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की इस मीट प्रोसेसिंग को अभी तक अनुमति जारी नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी में एक्सपोर्ट के लिए माल तैयार किया जा रहा है, जबकि किसी भी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जरूरी है कि वो कच्चा माल या जानवर का कारकस केवल और केवल अपेडा रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस से ही मंगवाए। दरअसल अपेडा के तहत किसी भी मीट या मीट प्रोडक्ट निर्यातक को अपना माल विदेश भेजने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपेडा रजिस्टर्ड इंटीग्रेटेड स्लॉटर हाउस में तैयार किया गया हो। बिना अपेडा रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस से लाया गया मीट एक्सपोर्ट करने के कार्य के लिए अवैध कहलाया जाएगा, लेकिन ये मैसर्स यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बिना किसी अपेडा रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस से कच्चा माल लेने की बजाय अवैध रूप से तस्करी से लाया जा रहा मीट खपाया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो कंपनी द्वारा अवैध रूप से रोज का 55 से 60 टन माल टोंक, जयपुर, ब्यावर, अजमेर और नसीराबाद के स्थानीय कसाईयों ब्रोकरों से मंगाया जा रहा है। रोज का करीब 28 से 30 टन तैयार माल दिल्ली के रास्ते एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अपेडा रजिस्टर किसी स्लॉटर हाउस से एग्रीमेंट करने का तिकड़म लगाया जा रहा है, ताकि एक तरफ तो मीट यूनिट अपेडा से सर्टिफाइड हो जाएगा, वहीं अपेडा रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस की पर्चियों की आड़ में स्थानीय स्तर पर तस्करी कर लाया जा रहा अवैध मीट भी वैध हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह के आरोप सही हैं, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो तस्करी कर रोज का 55 से 60 टन माल जयपुर में मौजूद इस फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं, जबकि इस कंपनी के पास अपेडा लाइसेंस नहीं है, तो वो किस नाम से माल एक्सपोर्ट कर रही है।
वहीं इन आरोपों के बीच कई सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर किस पशु चिकित्सक द्वारा काटे जाने वाले जानवरों का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय निकाय के सरकारी पशु चिकित्सक के फिटनेस सर्टिफिकेट से काटा जा रहा जानवर केवल वहां की जनता के उपभोग के लिए ही होता है, एक्सपोर्ट के लिए नहीं। वहीं बिना पशुपालक विभाग की अनुमति दिन दहाड़े सैकड़ों जानवर इस मीट फैक्ट्री की बलि चढ़ रहे हैं। साथ ही रोजाना 67 टन बफेलो, शीप, गॉट का माल तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 500 से 700 जानवर रोजाना निर्ममता से काटे जा रहे हैं। आरोप लगाए गए हैं कि भैंसों के साथ साथ गोवंश का मीट तस्करी किया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री और बॉयलर विभाग के मुताबिक माने तो कंपनी में 100 श्रमिक कार्यरत हैं, लेकिन आरोप है कि कंपनी में 200 से 250 श्रमिक कार्यरत हैं, जिनका ना तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया और ना ही मेडिकल टेस्ट। वहीं आरोप तो ये भी है कि यहाँ दर्जनों की संख्या में बाल श्रमिक भी दिन रात अपना बचपन यहाँ दांव लगा रहे हैं, जिन्हें बेहद कम दिहाड़ी पर लगाकर रखा गया है। इसके अलावा आरोप ये भी लगे हैं कि इस मीट फैक्ट्री में दर्जन भर अमोनिया कंप्रेशन संचालित हो रहे हैं। कूलिंग के लिए काम में लिए जाने वाले इस कंप्रेशन में घातक गैसें होती हैं। पश्चिम बंगाल में तो कंप्रेशन के उपयोग पर रोक लगी है। देश में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो CPCB के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि यहाँ हर स्तर पर गैर कानूनी काम हो रहा है। नियमों की माने तो सभी प्रसंस्करण इकाइयों को अपेडा स्वीकृत बूचड़खानों से ही मांस खरीदना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि ये सभी इकाइयां अपना कच्चा माल और छोटे छोटे अवैध बूचड़खानों और निगम द्वारा संचालित इकाइयों से ही खरीदते हैं, जो अपेडा स्वीकृत नहीं है। आपको बता दें कि स्लॉटर हाउस के संचालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, जिनमें स्लॉटर हाउस की अनुपालना के संबंध में राज्य स्तरीय समिति बनाने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में भी एक समिति का गठन किया गया, जिसके तहत राज्य में चलने वाली सभी स्लॉटर हाउस की सूची रखना सभी जिला मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, जिला रसद अधिकारियों को संचालन के नियम कानूनों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश है। वहीं आबादी के पास चल रहे स्लॉटर हाउस को दूसरी जगह स्थापित करने की अनुशंसा करना, बाल मजदूरी रोकने समेत कई आदेश दिए गए। मैसर्स यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पर तो ये आरोप भी है कि ये फैक्ट्री कई जिलों इलाकों से चोरी छिपे माल मंगवा रही है, जो बड़े बड़े कंटेनरों से भरकर बिना GST का भुगतान किए पहुंचाए जा रहे हैं, और तैयार माल भी इसी तरह एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आरोपों की माने तो GST टीम अगर इसकी जांच करे तो चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया जा सकता है। वहीं इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि माना जा रहा है कि जिन परिस्थितियों में जानवरों को काटा जाता है वो बड़ा दर्दनाक होता है, जबकि सरकार नियमों के मुताबिक जानवरों का केवल वैज्ञानिक तरीके से वध मान्य है। आरोप है कि ये लोग किसी जानवर के स्वस्थ होने की चिंता नहीं करते, जिससे कई बार बीमार और अस्वस्थ पशु भी हलाल हो जाते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन आरोपों के बाद इस यूनि एग्रो फूड इंडस्ट्री पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।